अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जो एक नया दिन के साथ नए ब्लॉग पर आवाज़ करते हैं जी। तो अभी जो है ना टाइम हो गया असर का, असर की अजान जो है ना वो अभी भी आई है और फाइका जो है वो इधर सो रही है। मैं भी थोड़ी देर के बीच सो रही थी क्योंकि बच्चे तो सोने नहीं देते। अभी मोहम्मद सैफा इधर गाड़ी लेकर खड़ा हुआ। ये सुबह सुबह सो लेता है जब हमारा काम का टाइम होता है। जब हम अपना काम करके हमारे सोने का टाइम आता है ये उठ जाता है। ये फिर किसी को भी सो लेता। अभी भी ये देखो फिर जी जी वो भी चलते हैं बाहर और चल के अपने जो है ना इफ्तारी की तैयारी वो करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से काम हमने करने हैं। तो आज जो है ना मोहम्मद सुबहान की तबीयत थोड़ी ख़राब थी। कल से इसको बुखार था, दवाई दी थी लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर आज जो है ना इसकी मम्मा इसको लेकर गई थी डॉक्टर के पास। और अभी जो है ना जी हाँ जी चलते हैं चलते हैं। तो अभी जो है ना मोहम्मद सुबहान की तबीयत कुछ बेहतर हो गई है। तो अभी भी ये उठा हुआ है खेल रहा जी। ये मोहम्मद हुज़ैफ़ा मुझे कहीं लेके जा रहा है, पता नहीं कहाँ किधर जाना है। गाड़ी पे कह रहा है कि कहीं जा रहे हैं तो गाड़ी। तो सबसे पहले जो है ना पानी लगा लेते हैं ताकि थोड़ी सी ठंडक हो जाए, क्योंकि कमरे में तो सब ठंड थी लेकिन बाहर जो है ना वो काफ़ी गर्मी है। तो फिर जो है पढ़ेंगे असर की नमाज जी। हाँ जी जी। तो अभी जो है ना ये भी उठे हुए हैं, इनकी मामा भी इसको मैंने उठाया हुआ था। हाँ जी जी पैर को सोए हैं, रेस्ट थोड़ी सी किए। हाँ जी जोहर की नमाज के मोहम्मद सुबहान जो है ना वो खुश हो रहे हैं अपनी मामा के पास जाके। ठीक नहीं है फिर भी देखें अभी खुश हो रहे हैं। तो अभी जो है ना मैंने कहा कि पहले पानी लगा लेते हैं और बाकी के जो है इफ्तारी की तैयारी करेंगे। गर्मी होती है और इस टाइम तकरीबन हम रोज ही पानी लगाते हैं, तब जाकर ये जो हमारा सेन वाला ये जाकर। ये मैंने सुबह भी लगाया था, ये सारा पानी जो है ना अभी ये इधर नमी पड़ी हुई है। और ये जो हमने कल देग बनवाई थी वो वैसे की वैसी पड़ी हुई है। अभी जो है ना वो उठा जिसकी देग है वो उठा कर खुद ही ले जाएगा। तो अभी जो है ना इनको पानी लगा लेते हैं पहले। ये है अंजीर का पौधा, माशाल्लाह से ऊपर अंजीर लगी हुई है, बड़ा ही प्यारा है। और आज जो है ना कुछ नए पौधे भी लेके आए हैं। तो पहले मैं पानी लगा लेती हूँ, फिर जब बाद में लगाएंगे तो फिर आपको भी दिखाएंगे। तो अभी जो है ना असर की नमाज वो भी मैंने पढ़ ली और बर्तन वगैरह धो लिए। सालन जो है ना वो आलू और चिकन का बना के रखे। आज जो है ना पकौड़े शकौड़े नहीं बनाने हैं क्योंकि आज हमने क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, दिन में रोज़ा होता, फिर रात को पकौड़े हम कम ही खाते हैं। तो ये जो है ना इनके चाचू मेरे कज़न वो देखे आए हैं पौधे। और ये है अंगूर का पौधा, माशाल्लाह से बड़ा ही प्यारा है। इसको हमने काफ़ी बार लगाया लेकिन इस बार उम्मीद है कि इस पे बड़े बड़े गुच्छे लगेंगे अंगूरों के और हम उनको खाएंगे। असल में शायद हम इनकी हिफाजत कम करते हैं, या ये होता ही बहुत नाजुक है, बड़ी मुश्किल से होता है। इसको हमने काफ़ी दफ़ा लगाया, हाँ एक बार लगाया था जब मेरी शादी हुई थी ना, तब इतने बड़े बड़े गुच्छे लगे थे अंगूरों के। उसके बाद हमने काफ़ी बार लगाए लेकिन नहीं हुए। तो इस बार ट्राई करते हैं, अल्लाह करेगा हो जाएगा। तो अभी इसको लगा लेती हैं। बाकी के पौधे जो है ना वो भी इधर आए खड़े हैं, ये नर्सरी से लेके आए हैं। अभी गर्मी है ना तो इनकी हिफाजत करेंगे तो ये हो जाएंगे, गर्मी का भी बचाव होगा। अच्छा जी, तो आज जो है ना इफ्तारी में मैं बना रही हूँ स्पेशल पालक और अंडे के पकौड़े जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। और आज इफ्तारी में यही बना रही हूँ। पहले मैंने बनाया था सालन आलू और चिकन का, और अब बनाएंगे पकौड़े। अच्छा जी, तो अभी जो है ना मैंने सारी चीज़ें वो रेडी करके रखी हुई हैं। अभी जो है ना इसको कर लेती हैं मिक्स। ये है मेरे पास प्याज, हरी मिर्चें, ये है मेरे पास प्याज, हरी मिर्चें, आलू और सब्ज़ धनिया और पालक।
फिर जो है ना हम इसमें सबसे सारे मसाले वो शामिल कर देंगे, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये दड़ा मिर्च, चला, और ये है खुश्क धनिया। इसको हाथों से अच्छी तरह से मसल कर डालेंगे और खुश्क धनिया की खुशबू जो है ना वो पकौड़ों का मज़ा जो है ना वो दुपला कर देती है। और भी सबको कर लेंगे मिक्स। सब इससे पहले जो है ना हम इसमें अंडे ऐड कर लेंगे। बेसन डाल लेंगे, ठीक है, मिक्स। गर्म हो गया तो अभी इसमें हम डाल देते हैं मसाला पकौड़ों वाला। अभी जो है ना तैयारी का टाइम भी होने वाला है और ये इधर हमारी वैसे तो साइड से चाय की कटिंग हो रही है, भैंसों की तैयारी का टाइम भी है। ये वाला जो है ना मेरे पकौड़े रेडी हो गए, भी डाल देते हैं बाकी के भी। क्या बेटी बर्तन लेके आओ, गरम पकौड़े और हाथ जल जाएंगे, ठीक है। फजर को भी दो, पापा को भी, क्योंकि बच्चों को तो रोज आया नहीं, उनको तो दे देते हैं। ज़बरदस्त किस्म के पकौड़े वो तैयार हो चुके हैं। अभी तैयारी का टाइम भी होने वाला है तो अभी तैयारी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।